ये मेरा असम का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। और हम मिचुका से आके ये दोस्त मिले, और ये असम का ही तो ना। हाँ, असम डुमडुमा। हाँ, कहीं में आए तो मेरा अच्छा दोस्त मिला है। ऐसे इससे हम कुछ मांग के भी खा चुका है, लेकिन ये भाई को भी हमेशा, और मेरा जितना भी सब्सक्राइबर लोग है ना, इसको कहीं ना कहीं मतलब मिचुका या मानिकुंग में देखने वाला लोग जो भी हो बात कर दो मेरा दोस्त को। हेलो दोस्तों, मैं इतना दिन के बाद ब्लॉग बनाना अभी स्टार्ट हो रहा है, और बहुत दिनों से हम ब्लॉग बनाने के लिए बना रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया था, मेरा थोड़ा बस्ती में नेट का प्रॉब्लम था। ये हम अभी यहाँ में घूम रहा है, ये काइंग का चर्च है, आप लोग देख सकते हैं, ये अंदर में काइंग का चर्च है, बहुत खूबसूरत सुंदर से बना चुका है। और ये देख सकते हैं पहाड़, पहाड़ में हम अभी बैठ रहे, और ये देख सकते आपको रोड को भी देखने मिल जाएगा धीरे धीरे। ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल मूवमेंट, लगता है कि इतना खूबसूरत जगह, मतलब हम लोग का जगह में बहुत खूबसूरत है बोलने से जगह। और ये हम लोग की तरफ से रोड आने वाला है, बहुत पहाड़ पहाड़ दिखते हैं ये लोग। हम लोग थोड़ा दोस्तों ध्यान से वीडियो को विदाउट कट के देखो, आप लोग का पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। और भी आप लोग को नीचे में दिखाता हूँ ये काइंग का। फिर से आप लोग को हम मेरा YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट मारो। देखो ये चर्च के अंदर में हम अभी घुस रहे हैं, और ये कैसे होता है ये चर्च में, हम अभी फर्स्ट टाइम चर्च को देखने आ रहे हैं। मैं हम बहुत दिनों से यहाँ में घूम के नहीं दिखा है। एक्चुअली अंदर में तो बहुत बढ़िया ही लग रहा है, यहाँ में मीन्स क्या क्या होता होगा उसको आप लोग देख सकते हैं। ये चर्च का ऊपर में ये बहुत बढ़िया है, और ये मेरा दोस्त है, और आप देख सकते हैं ये चर्च तो बहुत बढ़िया है। और ये ग्रास व्रास भी बाहर में बहुत सुंदर से बनाया है। आप लोग तो देखता ही होगा वीडियो, मतलब बहुत दिनों से ये देख सकते हैं ये चर्च के अंदर है, और चर्च के अंदर में हम जाके देखते हैं, लेकिन क्या होता है, आदमी तो नहीं है, लेकिन हम अंदर में तो घुसने नहीं सकेगा। और उसमें रूटीन दिया हुआ है चर्च में, बहुत अच्छा से रूटीन तो दे चुका है, लेकिन रूटीन अभी दिया है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है चर्च का। ओके बाय, और भी आगे जाके आप लोग को देखने मिल जाएगा कंटिन्यू। आप लोग वीडियो को बिना कट के देखो, और अगर अच्छा लगे तो भाई का चैनल को सब्सक्राइब तो करने मिल जाएगा होगा, कम से कम एक लाइक तो मार दो और एक कमेंट तो मार दो भाई का चैनल को। आप लोग बहुत देख चुके हैं चर्च का बाहर, और अंदर में जाके क्या उसका ब्यूटीफुल मूवमेंट कैसे होता है उसको देखने मिल जाएगा। आप लोग देखते रहो, और ये काइंग चर्च का सबसे बढ़िया खूबसूरत चर्च है, बहुत कैथलिक चर्च ये लगते है, बहुत सफा है, आप लोग देख सकते हैं ये। हम तो आके बहुत बढ़िया लगा है, और भी थोड़ा अंडर जाके देखने मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत, मतलब चर्च के अंदर में बहुत बढ़िया से बनाया है, और ये भी बहुत अच्छा है। और देखो जीसस को भी बहुत अरेंजिंग करके बहुत अच्छा से रखा है, लेकिन हम भी बोलने से थोड़ा सा देख के हम अंदर में देख के आप लोग को बताता हूँ उसका अंदर में किसी किसी हो रहा है उसका। बहुत बढ़िया है और बहुत सुंदर है जगह जो, और हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ से बाहर निकल के बाहर में देखने मिल जाएगा। और ये ऊपर में ऐसे ही है इसका, ऐसे ही है, और अंदर में जितना सीटी है बहुत बढ़िया है, जितना मोटर यहाँ में चर्च के अंदर में बहुत बढ़िया दिखे है। फर्स्ट टाइम हम तो उसके बहुत अच्छा लगा ये काइंग का चर्च। हेलो गर्ल्स, अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भाई का चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा हम बोलने के लिए भी नहीं है, इतना ही है। चर्च के अंडर में जैसे होता है ऐसे ही है, और मैं उधर में आप लोग का सामने में थोड़ा कैमरा को ऐसे करके दिखाता हूँ, और इसका अंडर में बहुत
बढ़िया बनाए हैं और हम भी थोड़ा गॉड को मानने वाला है और इतना दूर से आके हम चर्च के अंदर में थोड़ा हो गए और लोग इतना भी देख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया है। अरे दोस्तों फिर से हम आप लोग को सामने में आके दिखाता हूँ, उसके बाद अंदर में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है ये देख सकते हैं। ये देखो बहुत नॉर्मली माइक का पूरा सब कुछ गिटार सब कुछ सामान मिल जाएगा और ये भी बहुत साफ सुथरा चर्च है, कहीं चर्च है कोई नहीं है। हम ये ब्लॉग बनाने में यहाँ तक आ चुका है, हम तो बहुत बढ़िया लगा है। ओके अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो भाई का चैनल को, आप लोग ना सपोर्ट करें मैं क्या करूँ, अच्छा तो लगना चाहिए वीडियो तो। मैं बहुत दिन और फिर से आप लोग को फिर से बोल रहे हैं हम बहुत दिन से क्यों ब्लॉग नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेरा जगह में जैसे कि मान लो मेरा जगह में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क एयरटेल वो सब नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो बनाने नहीं सक रहा था। अभी बहुत दिनों से हम ब्लॉग में आ चुका है ये काइन चर्च में। अगर अच्छा लगा है ना भाई का चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग फाइनली दोस्तों हम दोनों आलो जा रहे हैं और ये आलो जाने के लिए रास्ता में आप लोग जो चाहे सेल्फी उल्फी मार सकते हैं, उसमें दीवार में कुछ पोस्टर चिपका चुका है उसमें मान लो, और हम लोग अभी जाएगा आलो, सीधा हम लोग आलो जाएगा यहाँ से आलो मान लो 31 किलोमीटर है। और ये हमारे दोस्त है और अगर ये दोस्त बिना दोस्त का काम में हम लोग काइंग में आया था, अगर उसका भी इम्पोर्टेंट काम था इसलिए हम बताने भी नहीं पाते, लेकिन दूसरा वीडियो में आपको इसका काम इम्पोर्टेंट काम को ज़रूर बताएगा और बताएगा भी है सब कुछ दिखाएगा। और अगर ना ये देखो ये वॉल में जो सेल्फी लेना है तो डायरेक्टली मतलब मान लो हमको पोस्ट करो और फोटो खींच के जो करना है हमको पोस्ट करवाना, और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमको फॉलो कीजिए, इसका नीचे में हम इसको देगा उसको आप मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए दोस्तों। और बाइक का चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो लाइक करो कमेंट करो बाय। हम लोग एक्चुअली काइंग गया था, आधा रास्ता में थोड़ा पेट्रोल का प्रॉब्लम हो गया था, तेल खत्म हो गया था हम लोग का गाड़ी, इसलिए हम और दोस्त ये नदी में थोड़ा बैठेगा और अभी आलो से तेल लेके मेरा दोस्त तेल लेके आ जाएगा, उसके बाद आलो चला जाएगा। और आप लोग कोई उल्टा देखा नहीं बहुत अच्छा लगा, तेल की खत्म ही हो गया रास्ता में, चल चल के रास्ता में डायरेक्ट तेल खत्म हो गया। इसके लिए आप लोग को देखो ये खंभा से ऊपर में ये जगह में हम खड़ा चुका है और ये बहुत जगह तो बहुत मस्त है और बहुत बोरिंग भी लग गया मैं। एक्चुअली हम लोग का गाड़ी में तेल बहुत उठा मैं खाल डाला था, बहुत खाल तो तेल को टेंकी पुल किया था, तेल टेंकी पुल होने का बाद भी हम लोग को पता नहीं कैसे तेल जाते हैं और वो लोग तेल डालने वाले लोग हमको पुल ही नहीं कर दिया लग रहा है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ में पास के बैठे हैं और कोई बात नहीं है और उसमें जाके क्या कुछ खा ही लेगा, मैं कुछ थोड़ा भूख भी लग गया तो कुछ खा के बैठ लेगा। और देखो ना रास्ता भी देख सकते हैं ना, रास्ता भी किस रास्ता से जा रहा है, मेरा दोस्त उधर पहाड़ में पहुंच गया और हम भी उधर देख सकते हैं। अभी पानी भी बहुत मतलब पानी का ऊपर में थोड़ा धुआं धुआं होके अजीब से हो रहा है और ये दोस्त है और देख सकते हैं ना पानी का नजारा बहुत काफ़ी सुंदर है। हम तो क्या बोलेगा, हम तो ये जगह में आके बहुत अच्छा ही लगा है, मीन्स तेल को तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है और एक्चुअली बोलने से बहुत अच्छा जगह हम लोग को पास है और पासने से भी बहुत अच्छा ही है, जगह तो बहुत बढ़िया है। और देखो मेरा दोस्त क्या कर रहे हो नीचे में, क्या कर रहे पता नहीं है। और ये देखो ना जगह को आप लोग ध्यान से देखो ना, ये जगह बहुत सुंदर है, ऊपर में रोड है, गाड़ी उधर पास आ चुका है और वो आने के बाद हम लोग आलो चला जाएगा, आलो में पहुंचने के बाद हम लोग उधर ही बैठ जाएगा, कोई बात नहीं है अभी तो गाड़ी मेरा आ ही जाएगा।